हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद और आप देख रहे हैं ड्रामा टेक। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला दोस्तों कि अगर आप भी यहाँ पर देखिए एक न्यू पैन कार्ड जो है अप्लाई करने वाले दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला दोस्तों कि किस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर न्यू पोर्टल से कैसे आप यहाँ पर किसी भी कस्टमर का या फिर आप अपना जो है न्यू पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले UTI के न्यू पोर्टल पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर दोस्तों आपको लॉग इन कर लेना है दोस्तों। एंड जैसे दोस्तों आप यहां पर देखिए इस तरह से लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताऊंगा दोस्तों, आपको पूरी तरह से दोस्तों आपको यहां पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस तरह से आपको यहां पर UTI पोर्टल पर दोस्तों आपको यहां पर एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करके दोस्तों आप पैन फॉर्म को आपके यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से जो एक न्यू पोर्टल पर आपको UTI के एक पोर्टल पर इस तरह से लॉग इन कर लेना है दोस्तों। एंड जैसे दोस्तों आप यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए 107 करके आपको यहाँ पर देखिए रहना चाहिए। अभी जो है आप यहाँ पर जो है पैन एप्लीकेशन को इस तरह से जो अप्लाई करके दोस्तों आप अपना पैन कार्ड को इस तरह से F49A वाले फॉर्म को इस तरह से फिल कर सकेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए 3 लाइनर के ऊपर क्लिक कर लेना है दोस्तों। एंड जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देखिए पैन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सिंपली से आप यहाँ पर देखिए इन पर क्लिक कर ले। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से फॉर्म खुलकर आ जाता है दोस्तों, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए फिजिकल एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है दोस्तों। पहले से जो आप यहाँ पर देखिए इसको पढ़कर आप इसमें जो इस तरह से जो बताए गए तरीके से आप अपना पैन कार्ड को इस तरह से अप्लाई करने के सारे प्रोसेस को जान सकेंगे दोस्तों। तो चलिए हम जो इस पॉपअप को ओके पर प्रेस करके इसको जो यहाँ से क्लोज कर लेते हैं दोस्तों। एंड इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से एक न्यू पैन कार्ड का अप्लाई प्रोसेस का फॉर्म आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से खुलकर आ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से इसमें जो है आपको स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट आपको देखने को मिलता है, तो इसको आप यहाँ पर इंडिविजुअल आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर ले। एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए NRI कैटेगरी पर बिलोंग करते हो तो आप इसको यस पे क्लिक करके आप इसको वेरीफाई कर सकेंगे दोस्तों। और अगर दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों इस तरह से जो NRI नहीं है तो सिंपल से जो आप इसको इस तरह से जो नो पे टिक आउट करके आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से पैन कार्ड मोड पे आ जाना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको पैन कार्ड मोड में दो तरह का आपको देखने को मिलता है, तो सिंपली से अगर आप यहाँ पर बोथ फिजिकल पैन एंड ई पैन आपको यहाँ पर चाहिए तो सिंपली से जो आप इसके ऊपर टिक करके आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर ले। एंड इस तरह से दोस्तों आपका फॉर्म 49 इस तरह से जो ओपन होकर आ जाता है दोस्तों। साथ ही में दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, तो सिंपली से जो आप इसको कॉपी करके रख ले दोस्तों, ताकि दोस्तों अगर आपको यहाँ पर देखिए फॉर्म फिल करते वक्त दोस्तों कोई सा भी अगर एरर आता है आप जो है उस रेफरेंस आईडी से जो है आप अपना जो है फिर से आप उसी तरह से जो आप इसको जो अप्लाई प्रोसेस को वहीं से आप इसको कंटिन्यू कर सकेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखिए इस तरह से जो इसको कॉपी कर लिए हैं दोस्तों, और उसके बाद आपको सबसे पहले जो आपको जिस भी कैंडिडेट का आप यहाँ पर पैन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, उसका आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है टाइटल को सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। एंड टाइटल सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए लास्ट नेम आपको सरनेम आपको टाइप करना होता है, तो आप यहाँ पर कैंडिडेट का लास्ट नेम इस तरह से यहाँ पर टाइप कर लेंगे दोस्तों। एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम एंड आपको मिडिल नेम भी टाइप करना होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप करते वक्त दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए बॉक्स को आपको यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से जो है आपको यहाँ पर देखिए ध्यान में रखकर आप इसको टाइप करेंगे दोस्तों, ताकि जो है आपको यहाँ पर देखिए पैन कार्ड में कोई सा भी दिक्कत ना हो दोस्तों नेम को लेकर दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर देखिए नेम ऑन कार्ड आपको देखने को मिलेगा, तो सिंपली से आप इसको आधार मैच से आप इसको इस तरह से वेरीफाई कर ले दोस्तों। एंड इसके बाद दोस्तों आप यहां पर देखिए इस तरह से जो अगर आपके और भी नेम है तो आप इसको यस पे क्लिक करके आप अपना और भी नेम को टाइप कर सकेंगे दोस्तों, अदरवाइज आप इसको जो इस तरह से नो पे क्लिक कर ले। एंड इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ हो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से जो है पूरी तरह से डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेना है। एंड इस तरह से डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेने के बाद दोस्तों एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलता है, तो सिंपल से एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में आप इस रेसिडेंस एंड ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं, तो सिंपल से आप यहां पर देखिए मैं यहां पर रेसिडेंस पे क्लिक कर लिया हूं, आप अपने हिसाब से इसको क्लिक कर ले दोस्तों। और उसके बाद आपको यहां पर देखिए रेसिडेंट स्टेट ऑफिस स्टेट आप रिप्रेजेंटेटिव स्टेट आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। एंड इस तरह से सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहां पर देखिए आधार नंबर से वेरीफाइड करना होता है दोस्तों इस वाले पैन कार्ड को। एंड इस तरह से आधार नंबर एंटर कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए री एंटर आधार नंबर मांगता है, तो सिंपली से जो आप यहाँ पर देखिए और एक बार आपको आधार नंबर को इस तरह से जो है वेरीफाई कर लेना है दोस्तों, आपको फिर से जो है टाइप करके इस तरह से जो है कर लेना है। एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए ओके पर प्रेस कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर ओके पर प्रेस करते हो दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए आधार मैच हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखिए नेम एज पर आधार कार्ड आपको देखने को मिलेगा, तो सिंपली से जो आप यहाँ पर आधार कार्ड पर जो भी आपका नेम हो दोस्तों उसको आपको यहाँ पर देखिए उसी तरह से आपको यहाँ पर देखिए नीचे इस बॉक्स में टाइप कर लेना है। एंड इस तरह से टाइप कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट का प्रोसीड आपको देखने को मिलता है, तो सिंपली से दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए इसी चरण पर दोस्तों आपका जो है कूपन जो
यहाँ पर से जो कट जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, अगर आपने यहाँ पर देखिए कोई सा भी डिटेल्स गलती नहीं की हो तो सिंपली से जो आप यहाँ पर देखिए इस तरह से वेरीफाई करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं दोस्तों, इस तरह से आप इसको इस तरह से सेलेक्ट कर ले। एंड इसके बाद आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते दोस्तों, आपका कूपन जो इस तरह से यूज हो चुका है दोस्तों। एंड इस तरह से कूपन जो यूज हो जाने के बाद दोस्तों, इस तरह से दोस्तों आपको आधार ऑथेंटिकेशन का आपको एक पॉपअप शो होता है, जिसमें आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आपका आधार जो है मैच हो चुका है दोस्तों आपको डेमोग्राफिक डिटेल से दोस्तों, और उसके साथ साथ दोस्तों आपका पैन में जो आधार जो है लिंक हो चुका है दोस्तों। एंड इस तरह से हो जाने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। तो सिंपल आप इस रेफरेंस नंबर को आप यहाँ पर कॉपी करके रख ले दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि आपका आधार नंबर जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से XXX करके आपको लास्ट 4 डिजिट का आपको अंक देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड इसके साथ साथ दोस्तों आपको साइड में चेक आधार के ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं दोस्तों कि अगर किसी भी कैंडिडेट का पहले से जो है आपका यहाँ पर पैन कार्ड जो है बना है दोस्तों, तो आप यहाँ पर इस तरह से चेक आधार के ऊपर क्लिक करके आप उसका जांच कर सकेंगे दोस्तों। और अगर दोस्तों आपके आधार से जो है कोई सा भी पैन कार्ड नहीं अप्लाई हुआ है दोस्तों, तो आप उसको इस तरह से जो है देख सकेंगे दोस्तों। आपको यहाँ पर देखिए इस तरह का स्टेटस दिखाई देता है, जिसमें आपको गिवेन UID नॉट लिंकेड विथ एनी पैन आपको इस तरह का पॉपअप शो होता है, तो आप इसको इस तरह से जो है जाँच कर सकेंगे दोस्तों। एंड इसके बाद दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मांगता है, तो सिंपल से जो आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट ही रहने दें दोस्तों। एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए एंटर मोबाइल नंबर मांगता है, तो सिंपल से जो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर ले दोस्तों। जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करते हैं दोस्तों, उसी नंबर से जो आपको यहाँ पर देखिए पोस्टमैन जो आपके घर तक जो पैन कार्ड देकर जाता है दोस्तों, उसमें आपको यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर से कॉन्टैक्ट करके दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए एड्रेस पर जल्दी से जल्दी जो है आपका पोस्टमैन पहुँच पाता है दोस्तों। एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ईमेल आईडी टाइप करना होता है दोस्तों, एंड इस ईमेल पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए ई पैन जो है मिलता है दोस्तों। तो सिंपली से जो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को ध्यानपूर्वक आप इसमें जो इस तरह से टाइप कर लेंगे दोस्तों। आपको यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर जो है अपना पिताजी को अगर आप यहाँ पर जो है नाम नहीं देना चाहते, तो सिंपल से जो आप यहाँ पर मदर ओनली पे क्लिक करके आप इसको यस पे क्लिक करके आप अपना मदर का भी नेम मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखिए नो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से पेरेंट डिटेल्स में सबसे पहले दोस्तों आपको फादर्स नेम टाइप करना होता है दोस्तों, जिसका आपको यहाँ पर देखिए लास्ट नेम आपको टाइप करना होता है, फर्स्ट नेम टाइप करना होता है और मिडिल नेम आपको टाइप करना होता है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए तीनों बॉक्स में आपको यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक इस तरह से टाइप कर लेना है दोस्तों फादर नेम को। एंड इस तरह से फादर नेम टाइप कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मदर्स नेम भी ऑप्शनल में दिखाई देता है दोस्तों, जिसको आप यहाँ पर दोस्तों इस तरह से टाइप करना चाहते हो तो टाइप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको जो है ब्लैंक भी छोड़ सकते हो दोस्तों। तो मैं यहाँ पर देखिए इसको मैं टाइप नहीं करता हूँ दोस्तों, और उसके बाद मैं आगे बढ़ देता हूँ दोस्तों। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि आप यहाँ पर पैन कार्ड में दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा नेम जो आपको प्रिंट करवाना हो दोस्तों। अगर दोस्तों आप यहाँ पर जो है मदर नेम को आप यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हो, तो सिंपल से आप यहाँ पर मदर नेम भी आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकेंगे दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पर मदर नेम को ही मैं यहाँ पर देखिए प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पर देख फादर नेम पे इस तरह से सेलेक्ट रहने देता हूँ दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट स्टेप करते हो दोस्तों, तो आपको यहाँ पर देखिए एड्रेस डिटेल्स मांगता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखते इस तरह से जो है रेसिडेंटल एड्रेस को फिल कर लेंगे दोस्तों। एंड इस तरह से रेसिडेंटल एड्रेस में दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए ब्लॉक नंबर, आप यहाँ पर डोर फ्लैट नंबर इस तरह से टाइप कर लेंगे। एंड इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए विलेज एंड पोस्ट ऑफिस एंड इस तरह से सब डिविजनल इस तरह से एड्रेस को पूरी तरह से फिलअप कर लेंगे दोस्तों। एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से जो ऑफिस एड्रेस को भी बिल्कुल ऊपर की तरह दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखिए सेम एड्रेस को डालना चाहते हो, तो आप इसको इस तरह से जो है डाल सकेंगे दोस्तों। एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए सोर्स ऑफ इनकम आपको देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ पर देखिए इस तरह से सैलरी कैपिटल गेंस आप यहाँ पर जो भी रखना चाहते हो दोस्तों आप इसको इस तरह से रख सकेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखिए इस तरह से एड्रेस को फिल कर लिया दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है सोर्स ऑफ इनकम में नो इनकम पे सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, और इसको हम यहाँ पर देखिए इस तरह से ओके पर प्रेस कर लेंगे। एंड इस तरह से कर लेने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से प्लीज चेक AO कोड डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको ओके पर प्रेस करके दोस्तों आप यहाँ पर देखिए AO कोड जो आपका होता है दोस्तों पैन कार्ड का, तो सिंपली से आप इसको इस तरह से एरिया कोड को इस तरह से जो है देख सकेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसको इस तरह से वेरीफाई कर लेंगे दोस्तों, और उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेटिव SSS एड्रेस आपको डिटेल्स मांगता है, तो सिंपली से जो आप यहाँ पर जो है अपना किसी भी गार्जियन का नाम आप यहाँ पर जो है टाइप कर सकेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखिए अपने घर में कोई भी अगर गार्जियन हो, बड़ा भाई हो, आप यहाँ पर अपना पिताजी को भी नेम टाइप कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको टाइप कर लेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए अगर आपके यहाँ पर देखिए घर पर जो पैन कार्ड आता है दोस्तों, और आपका नेम से दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए डाकिया जो आपको नहीं पहचान पाता है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर देखिए फादर नेम या फिर आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव में जिसका नेम देंगे दोस्तों उसके नाम से आपका यहाँ पर देखिए घर तक पहुँच पाता है दोस्तों, और इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए पैन डिलीवर हो जाता है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए इसको टाइप कर लिया है दोस्तों, और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए हिमसेल्फ एंड हेयर सेल्फ के ऊपर क्लिक कर लेना दोस्तों, और उसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन प्लेस
जो भी स्टेट में आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, या फिर आप यहाँ पर जो भी विलेज से अप्लाई कर रहे हो, आप उसको इस तरह से वेरिफिकेशन प्लेस को आप यहाँ पर टैप करके आप इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर ले। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला सेक्शन आ जाता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से बताया जाता है कि आपको यहाँ पर कैसे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है दोस्तों। इसमें आपको यहाँ पर देखिए फोटो स्कैनिंग आपको 300 DPI कलर एंड 213x213 इस तरह से आप यहाँ पर कर सकेंगे दोस्तों। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए सिग्नेचर का भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा साइज दोस्तों। तो सिंपली से अगर आपको यहाँ पर कैसे सिग्नेचर एंड फोटो को रिसाइज करना है दोस्तों, इसके बारे में अगर जानना हो दोस्तों, तो आई बटन पर मैंने उस वीडियो का लिंक लगा दिया हूँ। तो आप उस वीडियो को देख कर आप यहाँ पर मोबाइल से ही दोस्तों आप अपना जो है किसी भी फोटो एंड सिग्नेचर को इस तरह से रिसाइज कर सकेंगे दोस्तों। एंड पैन कार्ड बनाते वक्त दोस्तों आप उस डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से भेज दीजिए, आप इसको इस तरह से जो है अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले सेक्शन पे आप इसको वेरीफाइड कर सकेंगे। ये जो हम यहाँ पर देखिए इसको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। और जैसे हम यहाँ पर देखें सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, मेरा यहाँ पर देखिए इस तरह से फॉर्म 49A का इस तरह से जो है रसीद जो आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है दोस्तों, इस तरह से जनरेट हो जाता है दोस्तों। एंड इस तरह से इस रसीद को दोस्तों आप यहाँ पर देखिए इसको प्रिंट करके दोस्तों आप कस्टमर को दे सकेंगे दोस्तों। एंड साथ ही में दोस्तों आप यहां पर देखिए डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म के ऊपर क्लिक करके दोस्तों आपको यहां पर देखिए इस तरह से पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड हो जाता है दोस्तों, जिसमें आपको यहां पर देखिए डिजिटल आपको यहां पर देखिए इस तरह से जो भरा हुआ मिलता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस जो है फॉर्म को प्रिंट कर ले दोस्तों। एंड प्रिंट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए दोनों साइड में दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए फोटो चिपका लेना है दोस्तों। एंड इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बॉक्स में आपको सिग्नेचर करना है दोस्तों। एंड इसमें इस साइड में आपको यहाँ पर देखिए आपको फोटो को क्रॉस करते हुए दोस्तों सिग्नेचर कर लेना है दोस्तों। एंड इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए दूसरा पेज में भी एक सिग्नेचर रहता है दोस्तों। तो सबसे पहले आप वहां पर देखें दूसरा पेज को भी इस तरह से सिग्नेचर करके आप इसका पीडीएफ बनाकर दोस्तों आप इस फॉर्म को एंड इसके साथ साथ दोस्तों आपको आधार कार्ड को अटैच करके दोस्तों आप एक पीडीएफ बना ले दोस्तों। एंड पीडीएफ का साइज दोस्तों 2 MB से नीचे का रखना है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करना है दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए फिर से होम पेज पर आ जाना है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है आपको न्यू पेन पर क्लिक करके दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पर आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर ले। एंड यहां पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहां पर देखिए इस तरह से जो जो भी एप्लीकेशन आपने यहां पर देखिए अप्लाई किए हो दोस्तों, जिसका डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक पेंडिंग है दोस्तों, अभी तक अप्लाई नहीं किए हो, तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहां पर देखिए इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लिया हूं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हम यहां पर देखिए इस तरह से जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले पेज पर आ चुका हूं। एंड यहां पर से दोस्तों आपको यहां पर देखिए पैन फॉर्म को मैं यहां पर से जो अटैच कर लेता हूं दोस्तों। तो कुछ इस तरह से दोस्तों मैं यहां पर देखिए इस तरह से चूज कर लेता हूं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम यहां पर देखिए पैन फॉर्म अलॉन्ग विद स्कैन इस तरह से जो मैं इस कॉपी को यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लिया हूँ दोस्तों। एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए पिक्चर एंड सिग्नेचर आपको लगाना होता है। तो सिंपली से आपको यहाँ पर देखिए चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर जो जो भी पिक्चर आपने यहाँ पर देखे एडिट कर जिसका साइज आपको यहाँ पर देखे रिसाइज करके बनाए हो 213x213 करके बनाए हो दोस्तों, उसको आप यहाँ पर इस तरह से जो सेलेक्ट कर ले दोस्तों। एंड इस तरह से सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर देखे 600 DPI वाला सिग्नेचर इस तरह से जो अटैच कर ले। एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इस तरह से दोस्तों आप यहां पर देखिए इसको ओके पर प्रेस करके आप अपना डॉक्यूमेंट्स को सक्सेसफुली अपलोडेड कर सकेंगे दोस्तों। एंड जैसे दोस्तों आप यहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं दोस्तों, आपका यहां पर देखिए इस तरह से जो पूरी तरह से सक्सेसफुली जो अप्लाई हो चुका है दोस्तों आपका पैन कार्ड के लिए दोस्तों। एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर देखिए 7 दिन तक आपको वेट करना होता है दोस्तों। एंड इसके बाद दोस्तों आपका यहां पर देखिए 7 दिन के टाइम ही के अंदर दोस्तों आपका यहां पर देखिए जो भी मेल आपने यहां पर दिया होगा दोस्तों, उस मेल पर आपको एक पीडीएफ फाइल में आपका पैन कार्ड जो है बनकर आपको यहां पर भेजा जाता है दोस्तों, जिसको दोस्तों आप यहां पर ई पैन के नाम से जानते हो दोस्तों। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप यहां पर दोस्तों इस तरह से जो है पैन कार्ड का ई पैन जो है आपका यहां पर देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में आपके यहां पर देखिए मेल पर भेजा जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने यहां पर देखिए फिजिकल पैन कार्ड को इस तरह से अप्लाई कर लिया है दोस्तों, तो आपको यहां पर देखिए UTI के आपको यहां पर देखिए ब्रांच पर जो है आपको जो भी फॉर्म आपने यहां पर देखिए इसको सबमिट किया है दोस्तों, उस वाले सभी को आपको यहां पर देखिए एक लिफाफा में डालकर दोस्तों आपको डाक पोस्ट से दोस्तों आपको यहां पर देखिए उस एड्रेस पर पहुंचा देना होता है दोस्तों। जिसके साथ साथ दोस्तों आपको यहां पर देखिए 14-15 दिनों के अंदर आपके घर पर जो है फिजिकल पैन कार्ड जो है आपका यहां पर देखिए इस तरह से PVC कार्ड आपके घर तक पहुंच जाता है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से दोस्तों सारा प्रोसेस रहता है दोस्तों, जिससे कि आप यहां पर दोस्तों घर बैठे जो अपने पैन कार्ड को इस तरह से अप्लाई करके घर बैठे अपना पैन कार्ड जो है बनवा पाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप यहां पर UTI के न्यू पोर्टल से दोस्तों आप यहां पर पैन कार्ड अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जो है जान सके होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों तो अगर दोस्तों आपको यहां पर इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो सिंपल से जो आप हमारे चैनल ड्रामा टेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको यहां पर डेली दोस्तों आपको यहां पर देखिए एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।